उज्जैन नगर पालिका निगम में काम करने वाले कर्मचारी के साथ नानाखेड़ा थाना क्षेत्र इंदौर रोड ऑटो स्टैंड पर मारपीट का मामला सामने आया है। उज्जैन के नगर पालिका निगम में काम करने वाला कर्मचारी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इंदौर से उज्जैन बस में सफर कर नानाखेड़ा बस स्टैंड पर उतरा और ऑटो से घर जाकर उसी दौरान बस स्टैंड पर कुछ ऑटो चालक युवकों ने बस से उतरे हुए युवक के साथ जमकर मारपीट की। निगम कर्मचारी नानाखेड़ा पुलिस में मामला दर्ज किया है और जाँच शुरू की है। वहीं मारपीट का शिकार हुए युवक अपनी पत्नी मासूम बच्चों के साथ उज्जैन SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल के पास पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचा और लिखित में शिकायत कर ऑटो चालकों के ऊपर सख्त कार्यवाही की मांग की है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। राहुल जी, कहां पर काम करते हैं आप? सर, मैं 3 बत्ती चौराहा पर काम करता हूं। नगर पालिका निगम में शासकीय कर्मचारी हैं? शासकीय कर्मचारी। अच्छा, ये आपकी पत्नी और आप लोग क्यों जन सुनवाई में आए हुए हैं, क्या पूरा मामला है? सर, मैं और मेरी वाइफ और दो बच्चे इंदौर से आ रहे थे, उसी बीच में ऑटो चालक वहाँ के अंकित पारोचे, लक्की पारोचे, छोटू पारोचे, बिट्टू पारोचे, ये 4-5 भाई वहीं से ऑटो चलाते हैं समुद्र मंथन नानाखेड़ा क्षेत्र से। सर, इन्होंने मुझे रोका, बोले नहीं हमारी ऑटो में बैठना पड़ेगा आपको, अगर नहीं बैठोगे तो धक्का लगेगा, हमारे साथ मारपीट हो जाएगी, बियरों के पैसे दो वरना कि हमारी ऑटो में बैठो, इसकी ऑटो में नहीं बैठेंगे। जो स्नेल नाम का व्यक्ति है, हम उसकी ऑटो में बैठ के जा रहे थे तो स्नेल पे मारपीट करी, फिर उसके बाद में बीच बचाव मैं वहाँ खड़ा हुआ तो मेरे ऊपर भी मारपीट करी, मेरे ऊपर भी पथराव करा है। नानाखेड़ा क्षेत्र में प्रकरण भी दर्ज है इसके खिलाफ और अनगिनत प्रकरण दर्ज है अंकित पारोचे और लक्की पारोचे के ऊपर। तो आज आपको जन कंट्रोल रूम आना पड़ा, थाने में FIR हो गई? थाने में FIR हो गई है, मेरे छोटे वाला भाई को भी मारा है इन्होंने चिमनगंज थाने में, उसकी भी रिपोर्ट है, लक्की पारोचे, अंकित पारोचे, बिट्टू पारोचे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।